कांग्रेसी क्या चाहते हैं कि उस संपत्ति का सर्वे करा करके लोग रखेंगे और बाद में कहेंगे जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से। गांधी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह आज वही डट रहा है। एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहता एक झटके में हटा देंगे। तो कहा एक झटके में कैसे, उसने कहा मैं प्रत्येक नागरिक की संपत्ति का सर्वे करूंगा। और क्या कहा, कहा हम विरासत टैक्स लगा देंगे। सपने दिखाने का काम तो वे लोग बोलते थे, ये सपने दिखाने का काम तो एक कांग्रेसी करते थे। दादी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह आज वही डट रहा है, वही डट रहा है कि गरीबी हटा देंगे। एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहता एक झटके में हटा देंगे। तो कहा एक झटके में कैसे, उसने कहा मैं प्रत्येक नागरिक की संपत्ति का सर्वे करूंगा। और फिर उनके सलाहकार सेम पित्रोदा ने अपने नाम के अनुरूप कांग्रेस के सामने समस्या खड़ी कर दी और क्या कहा, कहा हम विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने कोई संपत्ति अर्जित की है, वे कांग्रेसी क्या चाहते हैं कि उस संपत्ति का सर्वे करा करके लोग रखेंगे और बाद में कहेंगे जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे, क्या क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से, ये लोग भारत से जजिया कर वसूली करेंगे। एक कांग्रेस ने कह दिया हम विरासत टैक्स लेंगे, भारत ये विरासत टैक्स स्वीकार नहीं करेगा। भारत तो ये नया भारत है, ये टैक्स नहीं, अपनी जनता के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेके आता है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है।